अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पूरे एक महीने के बाद आज व्लॉग बन रहा है। उसकी मेजर वजह ये थी क्योंकि जिस लैपटॉप पे मैं वीडियो एडिट करता था जितने भी, तो वो मेरी वाइफ का था पहली बार, और उस लैपटॉप का मसला ये आ गया था कि ग्राफिक कार्ड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, एडोबी के जो नए सॉफ्टवेयर हैं उन सबको। तो मसला ये खड़ा हो गया मेरे लिए कि मैं करूँ तब क्या करूँ। तो आई नहीं करी मेरी सेविंग्स कि भाई अब देना तो पड़ेगा। तो अब मेरे पास टू ऑप्शन है, मैं पैसे दौड़ रहा था गाड़ी के लिए, या तो मैं गाड़ी ले लूँ या तो फिर मैं एक अच्छा गेमिंग पीसी ले लूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए थी बेसिकली जो सॉफ्टवेयर को चला सके और इजीली चला सके, क्योंकि मुझे जो बीच में रखता है ना सबर नहीं है पहली बार, तो सबर नहीं है तो चीज़ भी ऐसी चाहिए जो आपको इतना दुख ना दे। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती फिलहाल, तो इसलिए गाड़ी के घर में एक है तो क्या अपनी पर्सनल फिलहाल लेना ले लेंगे वहाँ इसमें ये। तो मैंने सोचा सिस्टम ले लें। तो खैर, तो एक महीने का टाइम लगा, मैंने ये पूरा डेल का सिस्टम लिया है, आपको शायद सीपीयू नीचे डब्बा है भी, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम मैंने डेल ऑनलाइन से मंगवाया, हाँ एक्सेप्ट कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है और माउस है वो ऑलमोस्ट उनका 260 bucks का पड़ रहा था। तो मैंने बोला वो छोड़ो भाई, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि माउस, मुझे कौन सा गेम खेलने हैं। तो मैंने वो तो नहीं लिया, बाकी डेल से मैंने मॉनिटर और सीपीयू, ये दो चीज़ मंगाई है। सीपीयू जो मेरा है वो है वो एलियनवेयर राइजन R10 है, न्यू सीरीज है इनकी, बहुत ज़बरदस्त स्पेक्स हैं इसके, अभी बताता हूँ आगे जाके जब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये जो है ये गेमिंग मॉनिटर है, ये एलियन वेयर का नहीं है मॉनिटर, वो बहुत महंगा था, तो ये मुझे उसके मुकाबले में बहुत सस्ता पड़ा। तो जितने गाड़ी के पैसे जुड़े हैं वो सारे अब इसमें दान हो गए। ठीक है जी, अब करना कुछ यूँ है कि इसके स्पेक्स आपको बताता हूँ और पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों की वैसे मैंने इसको जो है ना संभाल के रखा है, क्योंकि मैंने इसको खोला नहीं। तो उसको बोलते हैं मैं सिर्फ सीपीयू देखूँगा, बाकी मॉनिटर जो है वो तो सबको बताएँ, नॉर्मल गेमिंग मॉनिटर कैसे होता है। तो सीपीयू की बात करते हैं, तो सीपीयू को अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं। मैं कोई टैग का पर्सन नहीं हूँ, तो जो मोटी मोटी चीज़ें वो मैं ऐसे बता दूंगा ये क्या क्या इसके अंदर मैंने जो देख के लिया है। वैसे सबसे बड़ा थैंक यू मेरा दोस्त हसान है, उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ सीरियसली, क्योंकि उस बंदे ने रात के 4 बजे मैंने उसको कॉल किया था, तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि यार मैं सिस्टम ले लेता हूँ अभी अभी छोड़ो। तो उस बंदे को मैंने कॉल किया है पाकिस्तान में रात के 4 बजे, था जब वो जाग रहा था, उस बंदे को मैंने बताया कि भाई मैं ये ले रहा हूँ, ही इज़ अ कंप्यूटर एक्सपर्ट बेसिकली, तो उसने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है, तो ही नोज़ वेरी वेल कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसको पूरी स्पेक्स बताया कि भाई ये मैं ले रहा हूँ, सही है ना, अब तुम बताओ ये सही है। तो उस बेचारे ने पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ लगा के उसने बोला हाँ ये जो हमने मिल के तैयार किया है बेसिकली, वो उसने मुझे बताया था कि ये ले लो, ये तुम्हारे सिस्टम के तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लिए भी सही है और तुम्हें आगे भी काम आएगा चीज़ों के लिए। तो भाई हसन साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही जो है आज मैं ले पाया हूँ, आपने बड़ा अच्छा मुझे स्पेक्स बताया था। तो खैर, तो अब इसको इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं सिर्फ सीपीयू ही करूँगा बेसिकली, ना मॉनिटर ही करूँगा, ये दो लॉजिटेक का मैं बहुत सिंपल सा लिया है कीबोर्ड, उसके साथ मुझे फ्री का माउस मिल गया। तो और जहाँ तक आप ये पोस्टर्स वगैरह देख रहे हैं, तो अभी बेसिकली ये गेमिंग रूम बना रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा जैसे जैसे सेविंग्स अपनी इस पर लगाते रहेंगे, ऐसा ऐसा करते रहेंगे इसको डेवलप। तो जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो आपको दिखा दिया जाएगा, अभी तो फिलहाल इतना ही आंसर है। ठीक है जी, फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा जी, सब बता दिया मैंने, क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अब इस गर्लफ्रेंड को खोलते हैं, मेरी वाइफ कहती है कंप्यूटर की गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैंने एक महीना उसको बेचारा बड़ा जीना आराम किया। तो चले भाई, इतना बड़ा चाकू लेकर आराम हूँ, बड़ी सॉलिड पैकिंग है इसकी। आ जाओ भाई, यस, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। चलिए
आ गया है इसका लुक, ये है एलियन वियर। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ और गया इसके बॉक्स पे, ऐसे ही रहता है ना टैग वाले लगाने भाई। अच्छा जी ये होना बात, जैसा मैंने सोचा था वैसी है बाहर से, तो पैकिंग बहुत जबरदस्त है इसकी। बाकी हम अंदर से सो रहे हैं, देखने में तो बड़ा जबरदस्त है। ये डब्बा बेसिकली कीबोर्ड और माउस वगैरह का होता है, क्योंकि मैंने इनसे मंगाया नहीं था, उन्होंने खाली पिज्जा का डब्बा और रखा दिया। आप ये इसमें एंजॉय करें, आई थिंक कोई पोर्ट निकली है किस काम की है वो देखते हैं। और ये उम्मीदों से बहुत जबरदस्त, देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। अब इसको निकालते हैं, डालते हैं पैकिंग बड़ी जोर से रखी है इन्होंने इसकी, ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू ना हो, आई होप सो कि सही सलामत आया हो हमारे पास। ये है जी इसका फ्रंट लुक, पूरा ब्लैक में लिया था ये मैंने, बाकी इसके अंदर व्हाइट एंड ब्लैक भी आता है, पर क्योंकि मेरा व्हाइट भी पूरा ब्लैक था तो आई नीड अ ब्लैक वर्जन पूरा। तो बेसिकली बहुत जबरदस्त है, मैं इससे स्पेक्स बता देता हूँ आपको। इसकी हार्ड ड्राइव है SSD 512 और जो दूसरी वाली हार्ड ड्राइव है वो है क्या कहते हैं उसको, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो 2 TB है। बाकी इसके अंदर इसकी रैम है 16 GB और मदरबोर्ड नहीं, प्रोसेसर इसका है जनरेशन 10 i7 एंड वो कौन सा था मदरबोर्ड, यस मदरबोर्ड है 3600X AMD, तो AMD Ryzen जो भी है, और ग्राफिक कार्ड, यस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो वो है NVIDIA 2060 Super 6GB, यस। तो ये इसकी जो मोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हैं, बाकी मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला था, मैं इसको ले रहा था कि भाई डेस्कटॉप में वायरलेस आ गया, क्योंकि मैंने मुझे याद पड़ा है मैंने जो लास्ट डेस्कटॉप लिया था वो 2009 में लिया था, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद अब ये है क्योंकि एडिटिंग का मज़ा सीरियसली डेस्कटॉप में आता है, मैं लैपटॉप पर कर रहा था मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो खैर ये बड़ी पावरफुल मशीन है ये, तो ये अब ओपन तो हो रही है, अब इसको लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे। तो दिखाने का मकसद ये था कि भाई सीन ऑन है, इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स आएंगे, कोशिश यही होगी ज़्यादा ड्राइविंग व्लॉग ज़्यादा हूँ, पर जो भी सिनेरियो भी चल रहा है उसकी वजह से ज़्यादा जाना भी मुश्किल होता है, पर कोशिश यही है कि ज़्यादातर यही हूँ। बाकी ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि अब मैं इसको लगाऊंगा चलाऊंगा चीज़ सेट करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है कैसा है क्या इसका रिस्पॉन्स है, फिर जो भी होगा आगे आगे शेयर करेंगे। तो खैर गुड न्यूज़ है कि अब से ब्लॉग्स आएंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप की जरूर इज्जत कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।